चलें जी, मैंगो 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 बना, ऑरेंज मैंगो। चलें जी, मैंगो डोमिनेट है वैसे। वेल, मैंगो माशाल्लाह सबको ही पसंद होता है ऑलमोस्ट। ऑरेंज भी, ऑरेंज आजकल चल रही है, बनाना भी है, मैंगो भी सीजन से आउट है। और कुछ बताओ भाई, क्या पसंद है आपको? बाकी सो रहे हैं, आज बोर कर देते हो यार इस तरह से। चलें जी, जो भी हो, ग्रेप्स बेस्ट, चीकू बेस्ट, मेरे भी फेवरेट है। स्ट्रॉबेरीज फेवरेट नहीं है, लेकिन ठीक है, खा लेता हूँ कभी कभार स्ट्रॉबेरी। चलें जी, और चलें जी, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी लिखा है वो स्ट्रॉबेरी की इमेज भेजो मुझे, ठीक है, या मैं ही देख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मसला होता है फिर, ट्रांसपेरेंट इमेजेस नहीं मिलती। मैंगो असद अली की मैंगो, ठीक है जी। अली हैदर भाई, अभी अटेंडेंस की बात कर रहे थे, कहाँ गए अली हैदर? आ जाओ भाई। समीउल्लाह मैंगो, मैंगो भाई वाह, ऐसे ही नहीं कहते इसको, ये किंग है और वाकई फलों का बादशाह। चलें जी, ये देखते हैं कि फलों के बादशाह को भी हम ढूंढते हैं, ठीक है। और स्क्रीन आपके साथ ऑलरेडी शेयर है। ग्रेपफ्रूट, अच्छा जी, अच्छा है वैसे, ठीक है। चलें जी, ओके। चलें जी, अमृत की वालदा मोहतरमा की तबीयत ठीक नहीं है, और उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। चलें जी, मैंगो इमेजेस, मैंगो इमेजेस, ठीक है। हमारे पास, अच्छा जी, एक मैंगो होता है, मैंगो की भी कई अकसाम है, तो एक एक किस्म नहीं है, अकसाम है। और उन अकसाम में से मेरे ख्याल में मेरा जो फेवरेट है वो है सिंदड़ी। चौंसा भी अच्छा होता है और बाकी भी अच्छे होते हैं, लेकिन चौंसा जो सिंदड़ी है उसका ही बात किया जाता है। चलें जी, मेरे पास कहीं पे मैंगो आ गया, कोई अच्छा सा मैं देख रहा हूँ, साफ सुथरा हो मेरे पास बैकग्राउंड, अलामी स्टॉक के साथ आ रहा है। चलें जी, इसको भी देख लेते हैं, मे भी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये रहा मेरे पास मैंगो, ये रहा मैंगो, ये भी है मेरे पास, यहाँ पे भी है, ये थोड़ी सी क्लियर इमेज है, लेकिन यहाँ पे भी अलामी स्टॉक ड्रीमी, अच्छा ये ड्रीम्स टाइम कहाँ गए भाई? मैंगो मैंगो मैंगो, कोई सीधा सा आम हो जाए, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये भी है, ये बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है, सेब जैसा लग रहा है, लेकिन चलें काम चलाते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, और मैंने इसको सीधा रखा हमारे, ओहो ये तो साइज ही बहुत बुरा है भाई, ये साइज ही बहुत बुरा है, ये तो साइज अच्छा बड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मैंगो येलो मैंगो, चलें जी मैं येलो मैंगो देख लेते हैं, ठीक है। और ये रहा भाई हमारा सिंदरी आम आ गया, ठीक है। ये भी भाई साइज इसका छोटा सा है, ठीक है जी, मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, आई विश कि खराब ना हो। चलें जी, मेरे पास यहाँ पे भी आ गया, थोड़ा सा इसको साइड पे लेकर जाता हूँ। अच्छा जी, अब बात आती है वहां पे, आज कुछ नया करते हैं, जितना दो चार चीजें नहीं सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी इमेज में बैकग्राउंड टेक्स्ट दिया गया है या वाटर मार्क यूज किया गया तो कैसे रिमूव करेंगे? जैसे गूगल से कोई पिक, उसमें वाटर मार्क यूज होते हैं, ठीक है जी। एक टूल है, एक नहीं दो से तीन टूल है, उनके बारे में हम सीखेंगे आगे चल के। और बिल्कुल आप उससे बैकग्राउंड क्या, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज सबसे पहले आते हैं हम सिलेक्शन की तरफ, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक चीज समझने की है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे लेयर्स सीखी, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से समझा ये क्या होते हैं, किस तरह से यूज होती हैं। अब मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट आप सब लोग इन चीजों को समझ लेते हो कि लेयर्स हो रही हैं, क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। चलें जी, दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो फोटोशॉप ऑफर कर रहा है बाकी सॉफ्टवेयर से, वो बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। वो है इसकी सिलेक्शंस। चलिए जी, सिलेक्शंस में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ना ऊपर किया जाए, थोड़ा सा ये लेयर जो है ना मेरी थोड़ी सी ऊपर, और यहाँ से बीच में से सेंटर में से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो ये आराम से आप इस चीज को काट सकते हो, ठीक है। इसको पील नहीं कहते, लेकिन इसको हमने बीच में से काट दिया। अब देखो ये मेरा एक वही आम, ठीक है। अगर हाई रेजोल्यूशन में होता तो शायद ये थोड़ा सा ब्लरनेस है या खत्म हो जाती, लेकिन हमने इस आम को फिलहाल काट दिया। काटा कैसे? हम सीधा आए यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स की तरफ। ये देखो ये, ठीक है, ये बहुत अहम है, बहुत काम की चीजें हैं, और इनको आपने फ्रीक्वेंटली, मतलब आप जिस तरह फोटोशॉप यूज करते हो, तो आपको इन चीजों का जब इल्म होगा तो आप इनको रेगुलर वैसे यूज करोगे, ठीक है। इनके अलावा समझे कि आपका काम ही नहीं होगा, ठीक है। चलें जी, क्योंकि काट पीट का काम हमेशा रहता है, सिलेक्शन का काम रहता है, कहीं से आपने कोई चीज चूज की, कहीं से कोई चीज चूज की, तो आपके लिए ये बड़े जरूरतमंद है, ठीक है। ये वाले टूल्स सबसे पहले यहाँ पे नजर रख लो। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके क्लिक किया, इस लेयर के ऊपर गया। अगर लेयर के ऊपर नहीं भी गया, लाइक मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दिया, तो ये मेरी जो सिलेक्शन है अभी ये फ्री है, ठीक है, ये अभी आजाद है। अभी आजाद का मकसद ये कि ये मैं इसको कहीं पे भी मूव करूंगा और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज कट नहीं करेगा, ठीक है। कट करनी हो, पेस्ट करनी हो, बात वही है। मैं यहाँ पे आके कोई एक लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वही मैंगो वाली, और जैसे ही मैं यहाँ पे वी प्रेस करूंगा फॉर मूव टूल, आपने देखना ये चीज आपकी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझ में आ रही है बात जी? वकास बेबी, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको इन चीजों का पहले ही इल्म हो, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। और क्लियर, चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ एक दफा आपको दोबारा दिखाने के लिए, ठीक है। आम को हम उसी हालत में लेकर आते हैं, मैंगो को वी प्रेस, नहीं भाई नहीं, ठीक है। ये देखो फिलहाल मेरे पास ये मैंगो है, ठीक है, मैंगो है, नॉर्मल मैंगो है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं दोबारा मूव टूल की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ये मूव टूल ऊपर देखो, वी वी इसका शॉर्टकट है, ठीक है, प्रेस वी। और जब मैंने इसको बता दिया कि एंटर कर दी, अब मैंने वैल्यूज इसको बता दिया कि भाई मेरी वैल्यूज अब यही है, यही एरिया मैंने सेलेक्ट करना है, आप इसको आराम से मूव कर सकते हो, आराम से मूव कर सकते हो। या आप इसको ऐसा करो, कंट्रोल जे। अब यहाँ पे एक काम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। लाइक मैंने इसको कंट्रोल जे किया, जहां पे कलर सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मैं ब्रश यूज कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, सिर्फ दिखाने के लिए। ब्रश की भी आगे भाई बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, ठीक है, तो अपने ये जहन में रखना कि ये छोटा सा काम नहीं। अब देखो सिलेक्शन जैसे ही मैं कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन के बाहर ही मेरा ब्रश कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये देखो सिर्फ सिलेक्शन के अंदर जा रहा है, सिलेक्शन से बाहर मेरा नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा एरिया कौन सा सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करते मिसाल के तौर, इसको सॉफ्ट लाइट कर दिया, कुछ भी कर दो, ओवरले कर लो, सॉफ्ट लाइट कर दो, आप ये देखेंगे कि आपको इस चीज में डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। समझ रहे इस बात को?
आपने अक्सर देखा होगा कि डिटर्जेंट वाले इस टाइप के, वो क्या कहते हैं, विम विम आ रहा होता है नीचे से और बीच में से कलर साफ होता है, बाकी जो है वो थोड़ा सा इस तरह होता है। चलिए जी रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा इस चीज को रिपीट, ऐसा करते मैं लेयर ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी फॉर डी स्लाइड। अब यहाँ पे आम है, ठीक है, और आम मेरे पास कुछ इस तरह है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके बीच वाला हिस्सा, ठीक है, ये मिडल सेंटर, इस सेंटर को मैं यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ, लाइक रिमूव इस पूरे सेंटर को, या थोड़ा सा छोटा कर ले इसकी जो सिलेक्शन में थोड़ी सी और छोटी करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, जब तक ये सिलेक्शन, देखो मेरे पास अभी है, इसका मतलब ये है कि मैं सिलेक्शन को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ अप टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे ही मैं मूव टूल सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसने आपकी सिलेक्शन को लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ कंट्रोल जे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ ये वाला जो पीस है वो नई लेयर में लेकर आएगा। राइट पे देखो लेयर्स के सेक्शन में कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है, ठीक है, कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे। आप बीच में से देखोगे कि मेरे पास एक और लेयर आ गई है, ठीक है, ये वाली, सिर्फ कंट्रोल जे की है मैंने, और वही हिस्सा लेकर आया है जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब सिर्फ मैं इसको लेफ्ट ले जाऊं या मैं इसको राइट ले जाऊं, ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, मेरी मर्जी है कि मैं इसको कहां पे भी कैसे भी यूज करूं, या मैंने जिसको जिस तरह आपको मिसाल दी कि लाइक मैं इसको सारे ऑप्शन को दोबारा सिलेक्ट कर दूं कंट्रोल के साथ, लेयर के ऊपर मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया और ये देखो दोबारा सिलेक्शन आ गई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा कोई और कलर कर देता हूँ, ये कलर कर दिया मैंने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से, ठीक है, सिर्फ उसी एरिया में ही आप देखेंगे, वहां पे ही सिलेक्शन जहां पे थी उससे बाहर कहीं पे भी काम नहीं हो रहा। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है, बताते जाओ ताकि आगे हम, या मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा मैं स्लाइस कर दूं, स्लाइस किस तरह करूं, चले जी मैं इसको हाफ कट कर, ये तो जैसे रेक्टेंगल हो रहा है जैसे इमेज। हाँ जी राइट क्वेश्चन, चलें जी दोबारा मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मैंने ये पीस सिलेक्ट किया, अगेन वी प्रेस किया और लेयर सिलेक्ट की, भाई कौन सी लेयर की सिलेक्शन बनानी है, देन कंट्रोल जे, ठीक है, एक पीस में ये इसको लेकर आया, इसकी एक पीस मेरा ये देखो ये अलग हो, ठीक है। और दोबारा अगर मुझे फिर भी कुछ करना है, अगर मेरी सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाती है कंट्रोल डी के साथ, तो आपने दोबारा सिलेक्ट करना, तो दोबारा लेयर की तरफ देखो, ठीक है, ये रही लेयर, ये रही, और मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, देखो सिलेक्शन आ गई दोबारा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, कुछ पेंट करूँ, कोई भी कलर करूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे रेड कलर करूँ, सिर्फ मजे की बात ये है कि इसी सिलेक्शन के बाहर कोई चीज नहीं आएगी। ब्लेंडिंग टूल में से जाके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, चलें जी, और यहाँ पे आके कुछ मेरा इस तरह से हो गया, समझ रहे हो बात को। चलें जी आगे मूव करें, चलें जी अब दोबारा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है, मैंने कर लिया डिलीट इसको, दोबारा मैं इस लेयर में आया और मैंने सिलेक्शन बनाई। अब सिलेक्शन बना के लाइक मैंने ये हिस्सा इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये सिलेक्ट ज्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, ये हिस्सा मेरा जो है ना ये खत्म होना चाहिए, तो दोबारा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्टर को होल्ड करके यहां से मैं सिलेक्शन को माइनस करूंगा। अब देखना माइनस हो गई, नजर आ रहा है आपको, ऑल्टर को मैंने सिर्फ यहां पे होल्ड किया हुआ और ये माइनस हो रहा है, ऑल्टर को होल्ड करके। अब देखो सिलेक्शन वही है, अभी भी ये देखो सिलेक्शन वही मैंने सिलेक्ट की हुई है, लेकिन ऑल्टर को सिर्फ मैंने यहाँ पे होल्ड किया है, ये देखो
मैं चाह रहा हूँ कि जहां से खत्म हो दो टुकड़ों में आ गई, मैं चाह रहा हूँ ये पीस अलग हो, ये भी सिलेक्शन अलग हो गई, ये पीस अलग होना चाहिए, ये भी अलग हो गया, ये भी देखो यहाँ भी बेहतर करना है, तब मेरे पास सिलेक्शन क्या हो गई, तीन पीसेस में आ गई, और ये मेरे पास तीन पीस ये है। मैंने वही सिलेक्शन रखी, लेकिन उसी सिलेक्शन को मैंने किया यहाँ पे माइनस, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और मजे की बात जो यहाँ पे काबिले गौर बात है वो यही बात दोबारा मैं बताना चाहूँ, आपकी जहाँ पे सिलेक्शन है आप उसी बाउंड्री के अंदर काम कर सकते हो, उसके बाहर आप कोई भी इफेक्ट कोई भी चीज हो काम नहीं करेगा। हालांकि मेरा ब्रश देखो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ब्रश वहां पे काम करेगा जहां पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। चले जी दोबारा कंट्रोल जी, एक्चुअली मैंने न्यू लेयर नहीं ली तो इसको दोबारा देख लेते हैं। चलिए, अरे तीन सिलेक्शन एक साथ कैसे हुई, अभी तो बताया था मैंने, गौर से सुना करो। अब देखो दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्टर को मैं होल्ड कर रहा हूँ, ऑल्टर को मैंने होल्ड किया, एक पीस को मैंने डिलीट किया, ये वाला पीस मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये डिलीट, देन नीचे वाला पोर्शन ये भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, अब एक पोर्शन मैं बीच में से डिलीट करना चाहूंगा, ठीक है, इतना सा, क्या चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना सा, दो पोर्शन में आ गया, एक और तीसरा पोर्शन यहाँ पे आ गया, और फिर मैं कह रहा हूँ ये बहुत बाहर जा रहा है बाउंड्री से, इसको अंदर लेकर आऊ, और यहां से यहां तक ऑल्टर के साथ, सिर्फ ऑल्टर को मैंने होल्ड किया हुआ और सिलेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, डन। और यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो मैं कंट्रोल जे के साथ एक और कॉपी बना लूंगा, मेरे पास कॉपी बन गई, दोबारा इनको सिलेक्ट करने के लिए, अब सिलेक्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ ये पीस है, ठीक है, इसको मैं रेड करना चाह रहा हूँ, लाइक कुछ भी, ठीक है, मैं इसको रेड फिलहाल करना चाह रहा हूँ, अभी कोई इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको रेड करना चाह रहा हूँ इस टुकड़े को, तो अब मैं ब्रश जैसे ही पेंट करूंगा यहाँ पे आके, कहाँ गया ब्रश भाई, ये रहा ये रहा, एक सेकंड, मेरा ब्रश कहाँ गया, ये रहा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई ब्रश वगैरह पेंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे तो एक तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले इस चीज को हाइड करना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा केयरफुली मुझे इनके ऊपर पेंट करना पड़ेगा, लाइक इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से, अगर मैं, मेरे ख्याल में देखो आज हवा ऐसी चल रही तो हो सकता है थोड़ा बहुत सिग्नल्स वीक हो, मेरे तरफ से भी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं रिलाई कर रहा हूँ PDCL की तरफ और उनका पता है आपको वैसे, ठीक है जी। दोबारा इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस। अब देखो मुझे सिलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि ये पोर्शन, लाइक अभी जो हमने पोर्शन बनाया है जो अभी सिलेक्टेड लेयर्स की तरफ ध्यान ज्यादा रखना, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इनको सिलेक्ट करूँ, मैं चाह रहा हूँ इनको पेंट करूँ ताकि ये रेड दिखे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, या तो मुझे नीचे वाली लेयर मुझे खत्म करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से मुझे पेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो भी बाहर जा रहा है, देखो ये आउट ऑफ द बाउंड्री जा रहा है, ये देखो बाउंड्री से थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है, ठीक है, बेहतर ये नहीं रहेगा कि नीचे वाली लेयर भी रहे और मैं कंट्रोल के साथ जाके उस लेयर के ऊपर क्लिक करूँ और मैं आराम से पेंट कर दूं, ये देखो हो गया पेंट, बाउंड्री के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं गया और मल्टीप्लाई, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलें जी, मैं दोबारा इस चीज को मैं डिलीट करता हूं, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही ऐड करवाना चाह रहा हूँ, लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और दोबारा अगर मैं दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो वो पुरानी वाली सिलेक्शन खत्म हो रही है, अभी तो मैंने ये सीखा कि रिमूव किस तरह करना है, लेकिन मैंने ये नहीं सीखा कि ऐड किस तरह करना है, ठीक है, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये दो टुकड़े, नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन, ये दोनों मुझे चाहिए, शिफ्ट के साथ, सिर्फ मैंने अभी पहले ऑल्टर को माइनस करने के लिए शिफ्ट फॉर प्लस, ठीक है,
मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल जे और ये दोनों पीसेस मेरे पास आ गए। ओहो ठीक है समझ रहे हो। ठीक है एडिशन के लिए अब आप मुझे बताओ मुझे सबट्रैक्ट सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ ये छोटा सा पीस जो है ये रिमूव कर दूं ठीक है और इनमें से दो पोर्शन बनाना चाहूँ या इस सिलेक्शन ऊपर वाली को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एनीवन भाई ऑल्टर ठीक है ऑल्टर को मैं प्रेस करूंगा तो ये मेरी सिलेक्शन डिलीट हो जाएगी खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे भी ये पीस रिमूव करना चाह रहा हूँ ये देखो सिर्फ स्क्वायर में नहीं है आप इसको अपने शेप में भी ला सकते हो ठीक है। ये देखो आपके अपने शेप जो है अपने शेप में भी आ रहा है ठीक है। और उसके अलावा अब मैं चाह रहा हूं कि ये पोर्शन तो मैंने सिलेक्ट कर दिया अब ये नीचे वाला पोर्शन है मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा ये भी हो और नीचे भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ एडिशनल एक सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। राइट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक और सिलेक्शन बना रहा हूँ ये देखिए बन गई सिलेक्शन ठीक है मेरे पास अब दो सिलेक्शन है। अब मैं दोबारा इसको रिमूव करना चाहूंगा मैं इसको यहाँ से ऑल्टर के साथ थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ ठीक है इसको ये देखो मैंने अपने लिहाज से आगे और भी चीजें हैं इसको फेदर करते हैं और जी चलें जी दोबारा मैं वी प्रेस करूंगा वी प्रेस करने के बाद कंट्रोल जे फॉर कॉपी एक और लेयर बन गई और जी मेरी सिलेक्शन ये आ गई ठीक है इतना क्लियर है। समझ रहे हो इतनी बात को ठीक है बस सीसी लिख दिया करो ताकि मैं भी थोड़ा मुतमैन हो जाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आ रही है ठीक है। अब देखो फिलहाल मेरे पास ये है और इसमें ही एलिप्स है और सिंगल रो कॉलम इसी तरीके से ये वो ही सिलेक्शन हैं कोई मुख्तलिफ नहीं है वही आप काट पीट उसी तरह से कर रहे होंगे उसी तरह से आपकी सारी चीजें बन रही होती हैं। आप उनको खत्म करना चाहो तो आप उनको माइनस कर सकते हो इसी तरीके से ठीक है लेकिन ये है कि आपके पास शेप जो है अभी चेंज हो रहा है ठीक है। सर मैंगो शेप में क्या हाँ देखो वी प्रेस करने के अलावा काम नहीं होगा। देखो अब मैं वी प्रेस नहीं करूंगा ना तो पता क्या इसको ये सिलेक्शन को ये वही सिलेक्शन समझ रहा होगा ठीक है और ये सिलेक्शन आपकी मूव हो रही होगी वी प्रेस करने से ये आपकी सिलेक्शन को लॉक कर देगा लॉक करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन है ठीक है मैं दोबारा कंट्रोल वी कर रहा हूँ लाइक मूव कमांड यूज करने हाँ जरूरी है आपको मैंगो शेप में हाँ वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं देन सर कैसे आप देखो मूव ऑप्शन मूव टूल के नीचे एलिप्स मार्क्यू ठीक है ये वही चीज है सिर्फ आपके पास एलिप्स बन के आता है ठीक है या आप एलिप्स बना लो इस तरह से एक और एडिशनल बना लो इस तरह से एक और बना लो इस तरह से कुछ भी बना लो अप टू यू ठीक है जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। यहाँ पे एक और शिफ्ट के साथ मैंने ऐड किया दोबारा वी करके कंट्रोल जे कर रहा हूं मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करने के बाद फिर दोबारा इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बताओ मेरी सिलेक्शंस कौन सी है। अब देखो मेरी सिलेक्शंस ये हैं ठीक है लेयर के अंदर। अब दोबारा मैं इनको पेंट करना चाहूँ तो देखो कितने आराम से पेंट हो रहा है कहीं और भी पेंट नहीं होगा जो सिलेक्शन है मेरी वहां भी पेंट हो रहा है। देखो मेरे लिए सिलेक्शंस बहुत ही अहम है फोटोशॉप में बहुत फोटोशॉप में मैं क्या आगे इलस्ट्रेटर में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है सॉफ्टवेयर कंट्रोल डी ठीक है जी लाल पीला आपका बन गया ये आम ठीक है इतना समझ रहे हो ताकि हम आगे एक और टूल की तरफ बढ़े।
एटलीस्ट 10-15 तो आने चाहिए क्लियर क्लियर के। हमारे पास अभी 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है मेरे ख्याल में, काफी स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट हो गए। सर ये सिर्फ मैंगो तक क्यों हुआ है, बाकी क्यों नहीं हुआ? ओ भाई मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग कलर्स यूज किए, ये देखो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज किया है, नीचे देखो सॉफ्ट लाइट पे, ये नॉर्मल पे नहीं है, नॉर्मल पे ये हो गया, यहाँ पे मैंने इसको सॉफ्ट लाइट पे रखा है, तो सिर्फ आपने सॉफ्ट लाइट के ऊपर आना इसके ऊपर, ठीक है। सर कलर नहीं सिलेक्शन, अब देखो देखो सबसे पहले मिसाल की तौर पे अब इस चीज को समझो, दोबारा मैं बाकियों को भी कहूंगा ये क्यों नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेरी जो ये लेयर है इसकी बाउंड्रीज कहां तक है, ये देखो यहां तक, ठीक है, कहां तक है यहां तक, और अगर मैं सिलेक्शन इतनी लंबी चौड़ी बना रहा हूं पीछे कुछ है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी को वो सिलेक्शन में नहीं ले रहा जबकि पीछे कुछ है ही नहीं, ये तो बैकग्राउंड है जो आपको शो कर रहा है, वरना इसके पीछे क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट लेयर पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से जब मैं यहाँ पे आया तो इसकी भी बाउंड्रीज वही है और इसने सिलेक्शन अपनी इसी के अंदर बनाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर वसीम? चले जी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको विंडोज डी और मैं यहाँ, वैसे हम अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चले जी दोबारा चलते हैं और हाँ वैसे हम दुआगु हैं कि आपकी वालदा मुहतरमा की तबीयत बहुत जल्दी बहाल हो जाए, ठीक है, और चले जी दोबारा हम सिलेक्शंस की तरफ थे। सिलेक्शंस कुछ यूं है कि हम सेकंड ऑप्शन में थे सिलेक्शंस, पहले हमने स्क्वायर में देखा, ठीक है, स्क्वायर में सिलेक्शंस किस तरह करते हैं, आसान है, सिर्फ ये आपने सिलेक्ट किया। अब अगर सिलेक्ट करने के बाद आप अगर इसको रिमूव करना चाहोगे तो आप क्या यूज करोगे, कौन सी की यूज करोगे, बाकी बता दो। ऑल्टर, ऑल्टर को आपने होल्ड करना है तो आप सिलेक्शंस को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं ऐड करना चाहूं एक और सिलेक्शन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट के साथ हम एक और यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हैं और उसके बाद हमने क्या प्रेस करना है, कौन सी की प्रेस करनी है कि हम सिलेक्शन को लॉक कर सकें, वी, वेरी गुड भाई, वी वी हमने प्रेस किया तो हमारी सिलेक्शन लॉक होगी, बाउंड्री भी आ गई साइड में और हम इसको आराम से कट कर सकते हैं यहां से, ठीक है, यहां से हम इसको आराम से कट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास मैं दोबारा इसको अच्छा डीसिलेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए, चैलेंज डीसिलेक्ट को क्या करना चाहिए ये बता दें, कंट्रोल डी, ठीक है, डीसिलेक्ट करने को मुझे यहाँ पे कंट्रोल डी करना चाहिए लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे से एक और लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, ओहो मेरी सिलेक्शन तो चली गई, अब इसको सिलेक्ट किस तरह करूं मैं, कंट्रोल क्लिक ऑन लेयर, ठीक है, कंट्रोल क्लिक ऑन लेयर, ठीक है, लेयर के ऊपर देखो, सॉरी लेयर के ऊपर देखो, मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरी सिलेक्शन दोबारा आ गई और मैं आराम से कोई चीज अगर मुझे पेंट करने की जरूरत है या मुझे और कोई चीज बनाने की जरूरत है तो मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। अगर ये बाउंड्रीज सिलेक्शन की नहीं होंगी तो फोटोशॉप को लगेगा ये पूरी लेयर के ऊपर बंदा काम करना चाहता है और ये वो, चाहे वही लेयर हो मुझे ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रश जो है आजाद है, कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं बनाई, ठीक है। उसी तरह हमारे पास इलिप्स है, यहाँ पे इलिप्स से बना लो, यहाँ पे भी वही है,
आप प्लस करते हो, आप वही चीजें आप माइनस करते हो, इसी तरीके से आप ये एक और माइनस कर लिया, लेकिन बस यहाँ पे शेप का डिफरेंस है, आपने उसी को ही यहाँ पे आके कंट्रोल जे कर दिया, किसी लेयर, जो भी लेयर आपको चाहिए, और ये मेरे पास लेयर आ गई। वो बता रहा हूँ भाई, आ रहे हैं आराम से, थोड़ा सुकून रखो अपने अंदर, ठीक है। चलें जी, उसके बाद मेरे पास एक और सिलेक्शन टूल है, लासो टूल। अब लासो टूल किसी ने पहले यूज किया है, नहीं किया, इसकी कमांड है एल। लासो टूल भी बड़े कमाल की चीज है, ठीक है। ये देखो, ये फ्रीली चलता है, ठीक है। ये देखो, ये फ्रीली चल रहा है, ये मैं इसको यहां से कटिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, माउस को होल्ड किया हुआ, और ये मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको आखिर में आके यहाँ पे कट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और कॉपी बनाई, कंट्रोल जे, और मेरे पास एक और इस तरह से मैंगो आ गया, ठीक है। लेकिन इसको और थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे आए लासो टूल को सिलेक्ट किया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर वाला हिस्सा ना हो, जल्दी में क्विक सिलेक्शन बनाई, और यहाँ पे अगेन वी प्रेस किया और गया, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये पेंसिल की तरह काम करता है, ठीक है। इसको आप माउस के ऊपर, आपने कोई स्पेसिफिक एरिया हो जिसको आप क्विक सिलेक्शन की तरह यूज करना चाहते हैं, या आप ये करना, ये मैंने हटाना है, सॉरी, ये आपने इसको सिंपली यू मूव करना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब दोबारा एक और चीज, सिर्फ लासो टूल यहां तक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक लासो टूल है, थर्ड नंबर ऑप्शन, पॉलीगॉन की तरफ भी आते हैं लेकिन मैग्नेटिक की तरफ आते हैं। ये क्या करता है भाई, ये आपके कलर्स को फॉलो करता होता है। अब ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कलर किया, और मैं आराम आराम से यहाँ से जा रहा हूँ, जो खुद ब खुद वो कलर को सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है, मुझे कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम आराम से जा रहा हूँ। ये देखो, जा रहा हूं मैं यहाँ पे आराम आराम से, बड़ा आराम आराम से जा रहा हूँ, और ये अपने तरतीब से वहां पे सिलेक्शन बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मैं जल्दबाजी कर गया, लेकिन अगर मैं आराम से सुकून से इसको सिलेक्ट करता हुआ जाऊंगा, इसको मैं बताता जाऊंगा कि नियर बाय तुम्हारी डेस्टिनेशन ये है, इसको सिलेक्ट करते हुए जाओ, तो ये देखो आपके मैंगो को कितने सफाई के साथ ऑटोमेटिक, देखो फोटोशॉप जो है ना वो बेस करता है कलर्स के ऊपर, जो भी आप कमांड्स फॉलो कर रहे हो, शेडो एंड हाइलाइट्स, ये उन्हीं को ही देख रहा होता है। और भाई आराम आराम से जा रहे हैं आप मैंगो, और देखो आराम आराम से सिलेक्ट होता हुआ जा रहा है, अपनी तरफ से खुद ब खुद पॉइंट्स बनाता हुआ बनाता हुआ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर हो रहा हूँ, ताकि इसको पता चले कि मेरी सिलेक्शन ये भी है भाई, ये भी एक आम का हिस्सा है, इस बेचारे फोटोशॉप ने कभी आम नहीं खाया। और जब एंड पे आऊंगा तो आप मेरी कर्सर में एक चीज देखिएगा कि आपने आपका जो, देखो सिलेक्शन में, देखो एक चीज एक और मैं आपको बता रहा हूँ, इकरा इसका मैं आपको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्शन एंड करूंगा, तो जहां पे लासो टूल है उसके बराबर में ओ बन जाएगा, ठीक है, छोटा सा ओ बन जाएगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और भाई मेरा ये बड़े अच्छे तरीके से मेरी कटिंग हो गई बैकग्राउंड की, ठीक है, ठीक है। मेरे पास वैसे कौन सा आम था, व्हाइट बैकग्राउंड था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक साफ सुथरा बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, कटिंग हो गई मेरी आम की, समझ रहे हो। जीशान कह रहे हैं कि कौन सा टूल यूज किया है, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा लेट आए हैं। चले जी, दोबारा इस चीज को मैं बता देता हूँ भाई, देखो मैंने, अच्छा जी देखो मैंने इसको बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉपी ली कंट्रोल जे के साथ। जब मैं सिलेक्शन की कॉपी ले रहा हूं तो वो सिलेक्शन को ही उठाएगा, बाकी बैकग्राउंड को उसने लिया ही नहीं, सिंपल। डिलीट का बटन तो मैंने दबाया ही नहीं है, मैंने
सिर्फ इसको कंट्रोल जे के साथ कॉपी ली है, ठीक है। मैं दोबारा चलता हूं, मैं इसको कर रहा हूं डिलीट, बड़ी मेहनत करवाते हो वैसे। चले जी दोबारा हम चलते हैं मैग्नेटिक लासो की तरफ, ठीक है। यहां पे आए, मैंने स्टार्ट किया यहां से। स्टार्ट करने में भाई क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ अगर जूम करना चाहें तो आप जूम कर सकते हो थोड़ा सा और, यहाँ पे आए, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आराम आराम से उसको लेकर जा रहा हूं। ये देखो ऑटोमेटिक मेरी सिलेक्शन ले रहा है, मैंने कुछ नहीं किया इसको, ये सिर्फ कलर्स को खुद ब खुद फॉलो कर रहा है और आराम आराम से इस सिलेक्शन हम इसको बताते जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपको माउस जो है वो नियर बाय है, नियर बाय, ठीक है, ताकि इसको सिलेक्शन का अंदाजा हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका मेरे पास, यहां तक आया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, ये वाली जो सिलेक्शन है यहाँ पे इस चीज को लॉक कर दो, ये परफेक्टली जा रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया, ठीक है। इकरा आप भी देखना इसको, ऊपर से जहां पे मैंने अपना टारगेट बनाया था एक क्लिक मैंने वहां पे किया, और एक क्लिक मैंने कहां पे किया है, जहां पे मेरा ये सेकंड टारगेट आया, ऑलमोस्ट ये 50% मैं इसको कवर कर चुका हूं। दोबारा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोबारा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक मैंने यहाँ पे किया। फिर दोबारा मूव करते हैं, दोबारा मूव करते हैं, दोबारा मूव करते हैं, दोबारा 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 चलते हैं, एक क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दोबारा चलते हैं, दोबारा चलता हूँ, दोबारा दोबारा एक क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया और एक क्लिक यहाँ पे किया, देन एक क्लिक यहाँ पे करके, एक क्लिक यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने एंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बाकी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखो कि किस तरह ये चल रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जे को प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे फॉर कॉपी, ये जो सिलेक्शन है मेरी लॉक हो गई है, मैंने इसको सिर्फ कंट्रोल जे प्रेस करना है। तो जी मेरे पास आम कर जो बैकग्राउंड लेस है वो इस तरह में आ गया पीएनजी फॉर्मेट में, कितना क्लियर है। इतना क्लियर है तो आगे चलेंगे, ठीक है जी। बैक कैसे करेंगे जी, चलें जी अब इस सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि हम मैग्नेटिक लासो जैसे ही हम यूज करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि आप एंकर पॉइंट्स बना रहे हैं। ये छोटे छोटे दाग आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये देखो इनको कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो भी हैं छोटे छोटे, हाँ हाँ वही 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 वही, यहाँ पे देखो एक तो चीज, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो मैं चाह रहा हूं मिसाल की तौर पे मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई है, मिसाल की तौर पे ये सिलेक्शन आ गई है, ठीक है, ये देखो मेरे पास सिलेक्शन आ गई है जो घट रही है। सबसे पहले एक बड़ा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, या इस छोटे से ऑब्जेक्ट को ही हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिलेक्ट किया, लाइक कोई ऐसी तस्वीर भी लेकर आओ जो जिसमें मल्टीपल कलर्स हो, कोई फ्रूट ही देख लो, ठीक है, जिसमें मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसका बता सकूं, ठीक है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक किया, देन माइनस। ऐसा करो, कोई अच्छी सी इमेज लेकर आओ जहाँ पे आपको मैं बैक करने का एक अच्छा सा तरीका बता सकता, क्योंकि यहाँ पे सच वैसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली रिमूव कर दें। वैसे यूजुअली हम इसको ऐसा करते हैं कि हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह हम माइनस कर रहे थे उसी तरह हम इसको माइनस करेंगे। कोई अच्छी सी इमेज लेकर आओ, मे बी कोई ग्रैप्स हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गुच्छे हो, और हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम मैंगो के ऊपर एक दो एक्सपेरिमेंट में जगह देख रहा हूँ इसकी, ऐसा करते हैं कि हम इसी मैंगो को थोड़ा सा कलरफुल करते हैं, ठीक है। एक सिलेक्शन बनाई मैंने, लाइक मैंने यहाँ पे बनाई, तब तक आप कोई मैंगो देख लो। मैंने इसके ऊपर कुछ पेंट कर दिया कंट्रोल जे के साथ, ताकि हम सिलेक्शन को और मजीद बेहतर लासो टूल के थ्रू बैक भी कर सकें और वो सिलेक्शन रिमूव भी कर सकें। कोई और देख लो, कोई और फ्रूट, एप्पल देख लो, एप्पल में वैसे ही कुछ ना कुछ धारियां होती हैं। एक ये हो गया, उसी तरीके से मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे उस तरह से, ठीक है। एक ये पीस हो गया, और थोड़ा सा कुछ दोबारा कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें से सिलेक्शन ले सकूँ मल्टीपल पीसेस। गेम कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल के साथ भाई लेकर आओ भाई, कोई ना कोई फ्रूट तो लेकर आओ। इन दोनों को मैंने सॉफ्ट लाइट पे रख दिया, ओवरले। एक सिलेक्शन मेरी यहाँ पे आ गई, कंट्रोल जे साथ में इसको यहाँ पे। भाई और कोई फ्रूट नजर आ रहा है या इसी के ऊपर देख लें सिलेक्शन को, और बता दे अगर कोई भेज रहा है, वरना देख लेते हैं। चले जी, यहाँ पे मेरे पास रेड ग्रेप्स हैं, ठीक है। एक तो इमेज बहुत छोटी होगी, टूल्स में गए, साइज लार्ज, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। वैसी इमेज को 1000x1000 का साइज है, परफेक्ट है। मैं यहाँ पे आया और बेस्ट, ऑलमोस्ट ओके। ठीक है जी, दोबारा आते हैं हम यहाँ तक। ये सारी चीजें सबको आई बिलीव सबको यहाँ पे क्लियर है। अब दोबारा आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मे बी यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक दोबारा इसकी सिलेक्शन करके एक कलर कुछ और कर देते हैं, दोबारा दूसरी का कलर कुछ और लेते हैं, ताकि हमें सिलेक्शन में अंदाजा हो, ठीक है। बाकी आप अपने मॉडल्स के ऊपर काम कर लेना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा जल्दी से मैजिक पेंट से कर लेता हूँ। ये भी एक सिलेक्शन है, ठीक है, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी इसी तरीके से काम करती है, बड़ी जबरदस्त है, और जल्दबाजी में अगर कोई करना चाहे तो बहुत ही काम की है। लासो टूल स्पेशली इमेजेस के लिए यूज होती है। और अच्छा जी, देखो मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर नहीं ऑटो नहीं हो रहा, आप इनको क्लासेस, सॉरी ये कौन, कोई मैसेज आ गया, चलें शकील का कोई इशू हो रहा है, ठीक है। हाँ एक और कंट्रोल जे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, कहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। मे बी मैं इसका कलर ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ,
ओके जी, मैंने थोड़ा सा मैं भी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी इसको थोड़ा सा इसकी तरफ लेकर जा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आए, इन दोनों सेलेक्ट किया, कंट्रोल भी। ठीक है जी, अब मेरे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, या एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, यू एंड सेचुरेशन को भी हम बाद में देखेंगे, ये एरिया से थोड़ा सा बाहर था इस वजह से कुछ कलर इस तरह हो रहे हैं, एक ये था मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं दोबारा मैजिक लासो की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, और मैजिक लासो में मे बी हमें समटाइम्स कटिंग की जरूरत पड़ती है मेरे तरफ से, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से आग होकर ये दोबारा यहाँ से घूम के, फिर यहाँ से घूम के, फिर यहाँ पे यूं घूम के आए। लेकिन अगर बाय मिस्टेक मुझसे ये चीज सिलेक्ट हो जाती है तो मैं इसको क्या कर, चलें जी सबसे पहले मैं इसको आराम से, एक तो देखो मैजिक लासो जब भी आप चलाओगे तो उसको आपने एक चीज बतानी है। ठीक है, बड़े सुकून से चलता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया इसको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये मैं क्लिक क्यों कर रहा हूँ ताकि इसको समझ में आए कि मेरे पास कौन सा अभी सिलेक्शन मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कलर्स को ही समझता है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं समझता। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे चलें जी, एक जैसे हैं, मैं दोबारा इसको ब्लैक का बॉर्डर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट आ रही है, इसको कट करें। यहाँ पे अगर मिसाल की तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि मेरी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी उल्टी हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूंगा, लाइक मैं यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं सिलेक्शन कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, लेकिन ये चीज आपकी इनवर्ट नहीं होगी, लाइक मैं अगर चाहूँ तो उसके सिलेक्शन को यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ, लेकिन ये चीज यहाँ पे आपकी खत्म नहीं होगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए या तो मैं ऊपर, आप देख रहे हैं ऑप्शंस, या तो मैं एडिशन के ऊपर जाऊंगा या मैं सब्ट्रैक्शन की तरफ जाऊंगा, ये ऊपर देख रहे हो वही ऑल्टर प्लस और माइनस वाली कहानी ऑल्टर के साथ। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये एरिया मिसाल की तौर पे मेरा रिमूव हो जाए। ठीक है, मिसाल की तौर पे एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, ये सिलेक्शन भी ठीक नहीं हुई, ये सिलेक्शन भी ठीक नहीं हुई, दोबारा मुझे वहीं पे घूम के जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे आके मेरी माइनस हो गई, देख रहे हो माइनस हुई यहाँ से। माइनस हो गई आपकी यहाँ, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मैं इसको जल्दी जल्दी से यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, लाइक मैं जल्दी से कर रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा ये देखो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ इसके साथ ऐड करूँ, ऐड करते हैं आगे। ठीक है, अब रीड्यू के चक्कर में, ठीक है अंडू रीडू यहाँ पे मेरे पास नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे ही जा रहा हूं जल्दी जल्दी से। एग्जैक्टली, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला आ रहा है, देखो मसला आ रहा है यहाँ पे भी मसला आ रहा है, यहाँ पे भी मसला आ रहा है, थोड़ा सा मसला यहाँ पे भी आ रहा है, बड़ी तेजी से यहाँ पे भी जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन एंड कर दिया। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ओ शिफ्ट
ठीक है, या मेरे पास एक और तरीका है, अगर लाइक इस तरह की सिलेक्शंस हैं तो मैं सिलेक्शंस को कुछ इस तरह से भी ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास वो ही चीजें हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से सिलेक्शन था, समझ में आ रहा है? इकरा, वसीम, हाँ जी ऐसा ही है। देख लो अगर कोई फीचर में आई हो, कोई ऐसी चीज जिसमें से आप बैक कर सको तो देख लो, मुझे भी बता देना। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कोई वर्जन में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अंडू कंट्रोल जी, नहीं हो रहा, कंट्रोल बैक स्पेस, हाँ ठीक है जी, एक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है जी। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ मेरी सिलेक्शन जो है थोड़ी सी पीछे जा रही है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हो रहा है, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है जी, ठीक है, हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज पॉइंट गलत हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एंकर गलत लग जाता है, मिसाल के तौर पे। वैसे तरीके तो दोनों ही हैं, आप वहां पे सिलेक्शन कंप्लीट कर लो या आप उसी वक्त उसको बेहतर करो, तो भी मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे मेरे पास छोटे छोटे सी एंकर देख रहे हो आप, छोटे छोटे सी स्क्वायर्स, ये वाले स्क्वायर्स देख रहे हो, ये अगर आपके पास लग जाते हैं मिसाल के तौर पे, इसका मकसद है कि या आपकी सिलेक्शन यहाँ से होते हुए इस चीज को, कलर्स को देखते हुए सिलेक्ट हो रही है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गया और थोड़ा सा मैंने स्पेस को सिलेक्ट किया, देन मैं यहाँ पे आया, थोड़ा सा जल्दी में आ गया और इत्तफाक से मेरे पास यूं कुछ हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ तो ये है कि भाई हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, मैं सिलेक्शन को रिमूव करूँ या मेरे पास कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये आपके एंकर्स को मेक श्योर कीजिएगा, जितने आप बैक स्पेसेस करें अपने लास्ट पॉइंट को जहां से आप बेहतर करना चाह रहे हैं वहां पे नियरेस्ट पॉइंट रखें अपने कर्सर की। कंट्रोल बैक स्पेस, 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 एंड ओके। दोबारा मैं यहां से रिज्यूम कर रहा हूं, ठीक है जी। यहां तक सबको पता है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ घुमा घुमा के मैं भी थक गया हूँ इसको चला चला के, ठीक है, ताकि दूसरे किसी पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं मिसाल के तौर पे, अक्सर अगर मेरे पास कुछ ऐसी, पहली बात तो ये टूल्स जो है ये बहुत कम यूज, मेरे यूज में कम है, ठीक है, अदर देन दूसरे टूल्स मैं इस तरह के कुछ यूज करता हूँ। लाइक मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैं ये हिस्सा रिमूव करना चाहता हूं, तो मेरे पास आसान सा तरीका है ये, ऑल्टर के साथ मैंने इसी चीज को रिमूव कर दिया, ठीक है। देन मेरे पास यही लासो टूल है, या इसी लासो टूल को अगर मैं ऑल्टर के साथ, ऑल्टर के साथ, अच्छा आपका यूज है जी, ऑल्टर के साथ अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो ये मेरा पूरा सब पीस रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो रहा है, देखो इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, और ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको भी रिमूव करना चाह रहा हूँ, देखो माउस के साथ ही कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, माउस के साथ ही हो रहा है ये मैं हिस्सा रिमूव करना चाह रहा हूँ। लासो के साथ सिंपली उठाया और इस चीज को मैंने रिमूव कर दिया और मेरी सिलेक्शन ठीक बन जा रही है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है चीजें क्या चल रही हैं? देखो दो चार, सबका काम सिलेक्शन है, कोई इसको कोई इफेक्ट इफेक्ट पे हम नहीं जा रहे, सिर्फ सबका काम सिलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया कंट्रोल डी और यहाँ पे कुछ इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है,
जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े काम की चीजें ये सिलेक्शन के टूल्स जो भी है ना फोटोशॉप का, एक्चुअली कमाल जो है वो सिलेक्शन है। ठीक है, बहुत फ्रीडम देता है आपको सिलेक्शन के अंदर, बहुत फ्रीडम। आप जहां से भी आओ जैसे भी आओ आपको सिलेक्शन आराम से मिल सकती है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एक तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, हमने बैकग्राउंड रिमूव किया ग्रैप्स का। ठीक है, हमारा आराम से एक बैकग्राउंड रिमूव हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। एक और मेरे पास टूल था, उसका भी मैं थोड़ा ओरिएंटेशन देना चाह रहा हूँ आपको, ताकि पता चले। ये क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल, ये थर्ड नंबर लास्ट के नीचे है, क्विक सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से काम करता है, ऑब्जेक्ट को क्या है कि उसको बता दो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, ये देखो इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर दी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पे देखोगे सिलेक्शन में मसला है थोड़ा। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको इस तरह के टूल्स बहुत काम में आते हैं, लेकिन कई कई दफा ऐसा होता है कि ये टूल्स काम नहीं कर रहे होते, इस वजह से आपको मल्टीपल टूल्स दिए गए हैं। देन मेरे पास ये आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल, ये भी कलर्स को फॉलो कर रहा है, जहां मैं क्लिक एंड होल्ड मैं माउस को लेकर जा रहा हूँ ये खुद ब खुद सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखो आराम से बड़ी जल्दी से इसने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब मुझे सिलेक्शन कोई भी प्लस करनी हो या माइनस करनी हो, एज इट इज मैं इसको कर सकता हूँ। हाँ, ये कलर्स को फॉलो कर रहा भाई, कलर्स को ही करता है फोटोशॉप, पूरा आपका कलर्स को ही देख रहा होता है और इसको कोई जबान समझ में नहीं आती। ठीक है, इस प्रोग्राम की खासियत ये है। देखो तीनों डिफरेंट हैं, कोई एक जैसी चीज नहीं है, तीनों डिफरेंट हैं। ये तीनों तीनों में भी कितने हैं भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो तरह के, तीन तरह, चार तरह के हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी तीन तरह के आपके पास हैं, उसके अलावा यहाँ पे भी तीन तरह के हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से मेरे पास एक और कॉपी आ गई, नीट एंड क्लीन। ठीक है, नीट एंड क्लीन, यहाँ पे देखो थोड़ा सिलेक्शन का मसला हो गया, ये देखो ये पोर्शन देखोगे यहाँ पे कटा हुआ है, देखना आप भाई। क्विक सिलेक्शन का नाम से पता पड़ रहा है कि इसकी सिलेक्शन बड़ी तेज कर सकते हो, आपकी ग्रिप अगर अच्छी है इसके ऊपर तो आपका काफी काम आसान हो जाता है, लेकिन जहां पे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो वहां के लिए छोटे छोटे एलिमेंट चाहिए हो, बिल्कुल छोटे, मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए, ठीक है, या इनको कट करना है, बाकी सिलेक्शन हो गई इनको कट करना है या और कुछ करना है, तो वहां पे लासो टूल काम में आता है। ठीक है, वरना क्विक सिलेक्शन टूल मेन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में बहुत काम में। इसी तरह मैजिक पेंट है, ये भी अच्छा है, ये भी कलर्स को फॉलो कर रहा है, ये देखो एक जैसे कलर्स ऑलमोस्ट अपनी रेंज में ले लेता है। ठीक है, ये देखें आराम आराम से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप इमेजेस के ऊपर काम करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई मेरे काम में कौन सी, ये ऐसा है कि भाई आप क्लिक करते हुए जाओ खुद ही अपनी तरफ से करता हुआ जाएगा, ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज, एक और चीज, ठीक है, एक और चीज ये है, मिसाल की तौर पे मैं दोबारा इसकी तरफ आ गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ से, पहले एक दफा आप यूज तो करो, कुछ यूज करो, फिर नए नए क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, और कल की असाइनमेंट बहुत, और 5:30 भी हो रहे हैं, काफी देर हो गई वैसे, कल की असाइनमेंट बहुत बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, मुझे सिलेक्शन इन्वर्ट करनी है। सुरहान, जो जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, आपने बैकग्राउंड किस तरह डिलीट किया, वो डिलीट नहीं किया आज, पता नहीं लगा टाइम, चलें जी देख लेना, सैटरडे संडे है आपके पास, 2 दिन है। अब देखो मैं यहाँ पे दो चीजें कर रहा हूँ, एक तो मैं क्या कर रहा हूँ लेयर्स की तरफ आना, मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन आ जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इसी लेयर में से मेरे पास ये रहे ग्रैप्स हो लेकिन व्हाइट डिलीट हो जाए, मैं क्या करता हूँ, या व्हाइट का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे,
कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इनवर्ट सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इनवर्ट सिलेक्शन। एक सेकेंड, इनवर्ट सिलेक्शन मेरे क्वेश्चन समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इनवर्ट सिलेक्शन, इससे क्या होगा कि मैं सी लेयर के होते हुए मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूं। ये तो भाई कमाल ही हो गया। वैसे समझ रहे हो बात को, जी क्या हुआ इसका मतलब भाई? इसका मतलब ये है कि जो फोटोशॉप को मैंने सिलेक्शन बताई है उसका बिल्कुल उलट कर दो, उसका बिल्कुल उलट कर दो। फिर जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जो भी है हमारे पास, तो सिंपल एक बैकग्राउंड था, अगर जो भी चीजें हैं वो उलट वाली आपके पास सिलेक्शन में आ जाएंगी। अब ग्रैब्स आपके पास सिलेक्शन में नहीं है, ठीक है, इतना समझ रहे हो। इनवर्ट का मकसद है जो सिलेक्शन आपके पास है आप उसको बिल्कुल इनवर्स कर दो, उसको बिल्कुल उलट कर दो, ठीक है। मतलब समझे कि गाड़ी आपकी वैसे फॉरवर्ड जा रही होती है, आपने रिवर्स गियर लगा लिया तब ये बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि ये अब बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है। वहां पे आके उसी लेयर के अंदर देखो, मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं लगाया, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका कलर चेंज किया है, ठीक है। अब कंट्रोल डी मिसाल के तौर पर अक्सर एक आप एक सेकेंड दोबारा कर रहा हूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैं मेरे पास वैसे ही ट्रांसपेरेंट कॉपीज हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, फिर भी कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, एक और लेयर बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, लाइक मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, वो टेक्स्ट है कि भाई, वैसे मैंगो के शौकीन थे और कहां से कहां पे आ गए ग्रेप्स, ये रेड ग्रेप्स है ना शायद, रेड ग्रेप्स, ओहो अच्छा, ये शीन फे आलफ रे, ये सिंधी उर्दू आ गए, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये करेक्टर्स आ गए हैं, ये भी क्लास में बता दूंगा किस तरह होता है, ठीक है। और क्या लिखना होता है यहाँ पे, रेड ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, अब थोड़ा सा जल्दी मैं हाथ चला रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेना, अगर दोबारा रिपीट नहीं हो सके मैं नहीं कर पाऊँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटर, ठीक है। और मैं इसको क्या लेकर जा रहा हूँ नीचे, इफेक्ट अच्छा लग रहा है। अब दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ इसकी, इसको मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर आ रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई पॉइंट में चले जाओ, ये मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए, ठीक है। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ठीक है। मैंने कितनी कॉपीज ले ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बाकी को मैंने यहाँ पे लेकर किया, ठीक है। फर्स्ट वाली बिल्कुल ऊपर है, लास्ट वाली बिल्कुल नीचे। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सबको, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ठीक है, ये रही, ओहो ये तो भाई कमाल ही हो गया, ठीक है जी। अब आप आराम से आए, सुकून से आए, इनका मेरे ख्याल में जो सेकंड है लास्ट है, इनका कलर ही मैं चेंज कर देता हूँ। चले जी, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इनको सेलेक्ट किया मैंने, इनका भी कलर चेंज कर दिया। मैं भी ऐसा करता हूं कि यहाँ पे इनका अपेसिटी कम कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आए, और यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वट एवर, यहाँ पे समझ में तो आ रहा है ना हो क्या रहा है। बात सिलेक्शन की थी एक्चुअली, लेकिन सोचा कि 2 दिन है आपके पास, कोई टेक्निक आपके पास भी होनी चाहिए जो आप यूज करो तो आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। चले जी, असाइनमेंट क्या है भाई, असाइनमेंट क्या है आपको, देखो बेमानी नहीं करनी, बेमानी में इस तरह नहीं करना कि पहले से कोई पीएनजी का ऑब्जेक्ट उठा लो और उसी को आप बना लो। ऐसा करना है आपने
इसी तरह आपने कोई भी फल, जो भी वट एवर, जो भी अच्छा लगे आपको, ठीक, कोई फल जरूर, आपको कोई करेक्टर अच्छा लगता है, गेम करेक्टर हो, वट एवर, जो भी हो, आप उस कटिंग करो, ठीक है। कटिंग करने के बाद उसका बैकग्राउंड चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद उसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करो। देखो अभी से आप तैयार हो जाओगे ना, 2-4 क्लासों के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर लेकर आऊँ, तो आके हमारी वहां फ्रीलांसिंग भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि मक्खन के भाई बस खा लिया और एकदम से क्लाइंट अंग्रेज जो है वो बिल्कुल ही फारिग बैठा हुआ कि भाई मुझे बंदे दे दो और मुझे, मेरे पास बहुत ज्यादा काम आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, काम में आपकी नफासत नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस बैच में मैंने बहुत ज्यादा वहां पे भी कुछ बड़े जल्दबाज से हमारे पास स्टूडेंट करें करें, फिर ये तो 3 स्टूडेंट्स की सिर्फ प्रोफाइल्स बंद हुई है, ठीक है। मेरे करियर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी की इतनी जल्दी प्रोफाइल्स बंद हो, लेकिन बैच 2 में ये हुआ हादसा, ठीक है। ये तभी मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह की टेक्निक्स देख लो, समझ लो, तो आसानी होगी आपको, ठीक है। और फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में इतना ही है। और चला प्रोसेस सेकंड असाइनमेंट यूजिंग प्रीवियस क्लास, कैन यू रीचेक। चलें जी रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, मैं आसानी से रिव्यू कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई फेसबुक हमारा? चले जी मैं दोबारा आ रहा हूँ। यू बेस्ट्री, वाओ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा मैंने सोचा था शूज का कुछ करेंगे हम, कहाँ कहाँ से फ्रूट पे आ गए, ठीक है, तो वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, ठीक है जी। तो यहाँ तक अब तक इतने इतना ही था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नया सीखेंगे। प्लीज 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 आप ऐसा किया करो कि आप असाइनमेंट जमा करा दो। एक और सेकंड, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉर्डर रख रहा हूँ, ठीक है, ये भी टेक्निक देख लो, ये इससे अच्छी चीज खूबसूरत लगती है चीजें, ठीक है। इसको मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है, और मैं लेकर गया इसको बिल्कुल नीचे आखिर में, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेकर गए, सॉरी इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक और Ctrl J, ठीक है, Ctrl J, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको कलर दे दिया रेड। अब आपके पास एक अच्छा सा खूबसूरत सा बॉर्डर भी है, आप चाहो इसको किसी तरीके से भी यूज करो, इसका तरीका आप सिलेक्शन से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने यही शेप डिलीट किया, मैं इसी शेप को ला रहा हूं और मैं इसको कर रहा हूँ रास्टर, लाइक रास्टर कर रहे हैं, रास्टर किया सिंपल, यहाँ पे आए, एक एंगल यहाँ पे लिया मैं, वो रेक्टेंगल यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने इसको क्या किया, सिंपली डिलीट, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉर्डर सा अच्छा सा बन गया, ताकि लुक और फील और बेहतर हो, ठीक है जी। तब तक के लिए बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, और अमृत की वाला के लिए बहुत ज्यादा दुआएं हैं, इंशाल्लाह ऐसे हम स्ट्रोक भी, हाँ स्ट्रोक भी दे सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, दे सकते हो, आउटर स्ट्रोक भी यूज कर सकते हो, छोटा छोटी, यहाँ यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक एक फ्रेम ले लो, उसके उसको आप बॉर्डर दे दो, स्ट्रोक दे दो, कोई मसला नहीं है, ये कोई होगा 5-6 पिक्सल का होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, लेकिन खूब प्रैक्टिस करो, और ऐसा कुछ बना के लेकर आना, बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने, कोई फुटबॉल प्लेयर देख लो, कोई मोटर स्पोर्ट्स की बाइक देख लो, आगे चल के हमने इन्फोग्राफिक्स भी देखने हैं किस तरह चलती हैं, बहुत टाइम लेस टाइम मोर टू वर्क, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर मंडे को, तब तक के लिए वीकेंड भी मनाओ, काम भी करो, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।